भाई लगमान आप सामने आ जाए, भाई रियाज आप इनकी हेल्प करेंगे इस काम के सिलसिले में, और बाकी नौजवान अगर हैं सनी भाई आप इनकी हेल्प करें। भाई लगमान भाई इरफान भाई रियाज सामने आ जाए, हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। भाई अलियास जो है ये हमारे चर्च के उम्र के हिसाब से भी सीनियर बंदे हैं ये, और बड़े प्यार करने वाले मोहब्बत करने वाले हैं, और खिदमत में पेश हैं, अपना टाइम निकाल के कितनी भी मजबूरी क्यों ना हो ये फौरन चले आते हैं। कोई भी काम हो, भूत के दिन हमारी बात होती है वहाँ पे भी आते हैं, सैटरडे को उसके वाले दिन भी आते हैं, फ्राइडे को उनके घर में भी हम दोपहर को बात करने के लिए जाते हैं, हर जगह पे ये पेश हैं और खुदा के काम में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, ये डिजर्व करते हैं कि इन्हें चर्च का एडर बनाया जाए। तो हम भाई को आज इनके लिए दुआ करेंगे और इस खिदमत के लिए इन्हें मखसूस करेंगे। भाई आप इस खिदमत के लिए तैयार हैं, आप अपना दिल से खुदा का काम करेंगे, आप सिंसियर होकर और बड़ी पाकीज़ के साथ कलीसिया के लिए नमूना बनेंगे। आपके अंदर कोई भी ऐसी दुनियावी बात ना पाई जाए जो कलीसिया के लिए ठोकर का बायस ना हो। कलीसिया में जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं खुदावंद की दूरी में का इस बात का इकरार करते हैं कि आप खुदावंद के मदद से चलेंगे और इस खिदमत को ईमानदारी से करेंगे, खुदा आपको बरकत दे। जी हमारे भाई यहाँ पे आपको खड़े रहेंगे, भाई इरफान है, खुदा का शुक्र है, खुदा के फादर हैं, दोहा कतर में खुदा की खिदमत करते थे, पाकिस्तान में भी खुदा की खिदमत करते हैं, हर तरीके से मुबशरना खिदमत है इनकी। आलम वक्त में खुदा ने चाहा तो ये पास्टर की खिदमत भी करेंगे, तो ये भी खुदा के काम में और खुदा के कलाम में बड़े सरगर्म हैं और हमेशा खुदा के काम के लिए तैयार रहते हैं। ये पैसों से भी खुदा की मदद कर खिदमत करते हैं और चर्च को चलाने के लिए भी हर बात में खुदा के साथ हैं, वफादारी से दुआ भी करते हैं। ये वो शख्सियत है जो गायबाना तौर पर आप उन्हें ना भी कहें तो आप भी आपके लिए दुआ करेंगे, आपके काम के लिए, खुदा के कलाम के लिए, खुदा के काम के लिए और आपके जाती जिंदगी के लिए ये दुआ करते हैं, प्रेयर वारियर हैं। और मैं दिल से इनके साथ मोहब्बत भी करता हूं और ये बड़े प्यारे मेरे भाई भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, छोटे भाइयों की तरह बच्चों की तरह हैं, और मैं इनके लिए दिल से खुशी चाहता हूँ, मैं इनको बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये खुदा के इस प्लेटफॉर्म से खुदा की खिदमत में बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, तो ये डिजर्व करते हैं कि खुदा के काम को बशाती तरीके से यानी एवेंजलिस्ट की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करते हैं। भाई आप इस खिदमत के लिए तैयार हैं, आप इसमें वफादारी से काम करेंगे, आप कोई भी ऐसा काम नहीं करें जो यहाँ बहने और भाई कलीसिया के जितने लोग बैठे उनके सामने आप ठोकर का बायस बने, तो आप इसको वफादारी से करने के लिए तैयार हैं, खुदा आपको बरकत दे। हमारे भाई एक और हैं, भाई लगमान बहुत ही प्यारे बड़े क्यूट से ये नौजवान से हैं और अच्छी खिदमत करने वाले हैं, बड़े वफादार हैं, बड़े ईमानदार भी हैं, और सबसे बढ़कर जो मैं नोट करता हूँ इनकी आंखों के अंदर पाकीज़गी है, हया है, छोटी उम्र में खुदा से प्यार करने वाले, खुदा से वफादार है, क्योंकि आजकल ज़माने में इस तरह की नौजवानों में भी चीज़ें होती हैं जिनसे हम बड़ा थोड़ा सा मुश्किल पेश आती है खिदमत के दौरान, तो खुदा से बड़े वफादार हैं, अच्छी ज़िंदगी है, मेच्योर हैं, जितनी उम्र है उससे ज़्यादा खुदा ने इन्हें सलाहियत बख्शी है, अच्छा बोल लेते हैं, अच्छी मीटिंग चला लेते हैं, अच्छी मुबशराना सोच है इनकी, और सबसे बढ़कर इस चर्च के अंदर जितने भी इंतजाम आते हैं सबसे ज़्यादा सरगर्म है ये, यानी कोई बात मुझे याद हो या ना हो इनको पता होता है कि ये बात करनी है, फौरन फ़ोन करते हैं, पूछते हैं भाई क्या करें कैसे करें, तो ये फनास की जिम्मेदारी है इनकी, ये फनास के सेक्रेटरी हैं, फनास को बड़ी ईमानदारी से चलाते हैं, और खुदा ने बरकत दे रखी है हम सबको कि फनास के हवाले से हमें कभी भी मसाइल का सामना नहीं हुआ, इसलिए खुदा ये इनके मैंने पूछा था कि आप किस खिदमत में, का भाई मैं फ्रांस की खिदमत में ही खुश हूँ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, मैं यीशु की खिदमत करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को सामने नहीं लाना चाहता, तो ये इनका बड़ा पान है कि सब कुछ होने के बावजूद भी ये पीछे खड़े होते हैं, खुदा इनको बरकत दे। ये भी मुबशर की खिदमत के लिए जो है वो मखसूस होंगे, आज ये दुआ करेंगे पूरी कलीसिया जिस तरह रसूली तरीका कार के मुताबिक कलीसिया दुआ करती थी, हम इनके लिए दुआ करेंगे ताकि आने वाले वक्त में अच्छे तरीके से खुदा की खिदमत। जी भाई आप इस खिदमत के लिए तैयार हैं, कोई भी तकलीफ परेशानी जज्बात गुस्सा या किसी के साथ कोई भी इस तरह के हालात पैदा हो तो आप इसमें बिल्कुल, क्योंकि हम नौजवान हैं, नौजवानों के थोड़े दिमाग गर्म होते हैं, तो आप इसको बड़ी ही ईमानदारी से करेंगे, गुस्सा हो तो उसे पी जाना पड़ेगा ताकि आप अगली उसको मौका ना मिले कि हमारे करदार की वजह से वो कोई हमारे ऊपर उंगली उठाए, तो आप ईमानदारी से खिदमत करेंगे, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। खुदा के खादम खड़े हो जाएं, फिलहाल भाई आप भी खुदा के खादम बुजुर्ग खादम यहाँ पे मौजूद है, पास्टर रोदन आप भी खड़े हो जाएं और पूरी कलीसिया की तरफ अपना हाथ बढ़ाए। आज के बाद इस चर्च के अंदर बहसीयत एल्डर, बहसीयत मुबशर और बहसीयत मुबशर काम करेंगे, साथ साथ फाइनेंस की भी जिम्मेदारी
और मैं बड़ी खुशी से कहना चाहता हूँ, बड़े फखर से कहना चाहता हूँ, भाई जो नगमान है बनास की भी काम करते हैं, साथ साथ गाड़ी भी चलाते हैं, बड़ा बोझ भी रखते हैं, लोगों को भी लेकर बहुत सारी खिदमत में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो खुदा इन्हें बरकत दे और खुदा इनकी खिदमत की हदों को और ज्यादा बढ़ाए। सब कलीसिया बहने और भाई की तरफ अपना हाथ बढ़ाए और खुदा के खादम इनके लिए दुआ करेंगे। मैं पास्टर रोबन से दरखास्त करता हूँ कि इनके लिए दुआ की जाए, प्रे फॉर देम सो दैट विल यूज देम फ्यूचर इन फ्यूचर दे विल डू द मिनिस्ट्री वर्क विद फेथफुली एंड विद ऑनेस्टी विद गॉड। प्रे फॉर नंबर ले योर हैंड टू दिस मिनिस्टर अगर वी आर डेडिकेट फॉर दिस थ्री गाइस फॉर द चर्च मिनिस्ट्री दे विल वर्क एज ए एल्डर as an evangelist, as an evangelist. So, man of God, you also lay hand for them also. God has to use them. Thank you for most of all this ministry. Especially, Lord, God has to put a unity with each other, Lord. We have to work for you, Lord. We do not want to boast ourselves. We receive everything by your grace. We do not have nothing to boast ourselves, Lord. We completely surrender our life to your hand, Lord. God has to use these three people. And wherever they go, they have to be carrying the word of the God, Lord. We do not want to boast. We are only doing the work for you, Lord. Help us to be a truthful servant for you. And wherever we go, we have to be a truthful servant and serve the people, Lord, from the heart. Thank you, Jesus. Especially God has to fill these people with the Holy Spirit. God has to fill them with the righteousness. God has to hallelujah, make them to be a justice in their life, Lord. Whenever they work for the God, your almighty hand with them, Lord. God has to use them always, hallelujah. Not only here, wherever they go, God use them in the society, in the country. Hallelujah. God has to use them in the multipurpose, Lord. In the name of the Jesus Christ. Amen. खुदा सबको बरकत दे। इस चर्च के जो भी कोई अगर अपनी खुशी से जाए के देना चाहता है, हदिया देना चाहता है, शुक्रगुजारी देना चाहता है, तो आप भाई से रास्ता कर सकते हैं, नगमान भाई से। और भाई अलियास जो है, ये पिछले हफ्ते हमने शायद अनाउंस किया था, ये भी एक सिस्टम को चला रहे हैं। हम लोग जो हमारे मसीही लोग हैं जो डिजर्व करते हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, वीजे की प्रॉब्लम है, स्पेशली इन केस ऑफ डेथ, अगर पाकिस्तान में कोई मौत वाक हो जाती है, एमरजेंसी जाना पड़ता, तो थोड़ी बहुत जो भी हमारे पास हेल्प होगी हम अपनी जेब से उसकी हेल्प करेंगे। तो ये प्राइवेट फंड है जो उसके इंचार्ज ये ब्रदर रियाज हैं। हर महीने हम कुछ ना कुछ चंदा जमा करते हैं। आप 5 रुपए भी दे सकते हैं, आप 10 रुपए भी दे सकते हैं, 20 रुपए भी, आप 50, आपकी खुशी जितने भी देना चाहें, वो आपकी अपनी बरकत है। उसमें हमारी कोई इनकम या कोई हमारा अपने लिए हम फंड नहीं लेते, वो भाई रियाज के साथ रब्ता कर सकते हैं। खुद आप सबको बरकत दे। बैठे हम आपकी दुआ करेंगे और रुख्सत पाएंगे। एक और यहाँ नौजवान बेटा बैठा हुआ, आप भी सामने आ जाएं, आपके लिए हम दुआ करेंगे। ये भाई इनके लिए भी, फिर भाई आप इनके लिए दुआ करेंगे। इन्होंने बहुत अच्छी डोल दिया, मुझे बहुत पसंद आई है, बहुत मुझे दिल से खुशी हुई है। ये तो खुशामद नहीं है, मैं खुदा के मजबूर में खड़ा हूँ, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगे। मेरी खजरिया बजती है ना, तो सिक्कों सुना तो खजरी बजाने का मजा नहीं आता, ठीक है? तो बड़े ही अच्छे तरीके से उन्हें खजरी बजाने के लिए दुआ करें। और मैं मान रखता हूँ कि आप अंडा भी खुदा की खिदमत में आया करेंगे और खुदा की बरकत को जरूर इस्तेमाल किया है और उसके उस टोड़े को खुदावंद पाक खुदा तो और बढ़ा और खिदमत के लिए अपने नाम के लिए जलाल के लिए खुदावंद पाक खुदा उसको इस्तेमाल करते रहे। तमाम सोर्सेस खुदावंद जो खुदावंद को उसको मुहैया करता है उसमें तेरी बरकत ठहरी रहे खुदावंद, तेरी मेहनत है खुदावंद उसके घराने को, उसके खानदान को खुदावंद अपनी हुजूरी में वफादारी के साथ चलते रहने के लिए तो बड़ी दलील देता है खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से। भाई जो है नगमान, आज उनकी सालगिरह भी है और सब उनको परसों दुआ में याद रखें, खुदा उन्हें बड़ी बरकत दे। और जो नए चेहरे हैं हमारी बहन सोनिया है, खुदा आपको बरकत दे। ये पहले भी वहाँ दुबई में आते थे, इनको भी अपनी दुआ में याद रखें। और कोई भाई नया है जो पहली बार आए हैं, क्या नाम है आपका भाई? है भाई इमैनुएल। आपका नाम? सॉरी साउद। साउद भाई साउद और भाई इमैनुएल को भी अपनी दुआ में याद रखें, खुदा ने बरकत दे और आइंदा भी इस कलीसिया का हिस्सा बने रहें। हम अब इबादत को क्लोज करते हैं, टाइम बहुत ओवर हो चुका है।
इसलिए हम आखिरी दुआ करेंगे और फिर उसके बाद हम रुख्सती लेंगे। आपके लिए चाय का बंदोबस्त किया गया है, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और एक खास जरूरी बात, सिस्टर हमारी है, खुदा की खादमा है, सिस्टर रूबी और सिस्टर जेनिफर। आने वाले वक्त में हम इन्हें वुमेन मिनिस्ट्री के तौर पर भी महसूस करेंगे ताकि ये औरतों के अंदर खुदा की खिदमत कर सके। डिपेंड ऑन देयर इंटरेस्ट कि कितनी सिस्टर इंटरेस्ट रखती हैं, कितना टाइम है इनके पास चर्च को देने के लिए, कितना वो कलीसिया के लिए बोझ रखती हैं। इसके हवाले से आने वाले वक्त में हम एक ग्रुप बनाएंगे लेडीज का, जिसमें हमारी प्यारी बहन होंगी और सिस्टर रानी भी होंगी, और हम मिलकर एक जो है वो सिस्टम चेयर बनाई जाएगी ताकि औरतों के अंदर भी खुदा की खिदमत की जा सके। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आने वाले चंद हफ्तों के दौरान हम इसको भी, इस काम को भी जरूर करेंगे। खुदा आप सबको बड़ी बरकत चाहिए। हम आखिरी दुआ करेंगे। आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद, तेरी सताइश करते हैं खुदा बाप आज के दिन के लिए कि खुदा बाप तूने अपने कलाम को मी की तरफ बरसाया, अपने बंदा पास रोबन को खुदा बाप तूने बड़ी दरेरी के साथ आग का शोला बनाकर इस्तेमाल किया। हमने तेरे कलाम से बरकत पाई है खुदा बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। परस्तर के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तूने अपने बंदा फिलिप को खुदा बाप बड़ी ही खुदा बाप तूने कुवत के साथ और रूह कुदस के साथ तूने इस्तेमाल किया, और भाई जो ढोलक बजाने वाला है खुदा बाप तेरी खुदा बाप उसने बड़े अच्छे तरीके से खुदा बाप आज ढोल की बजाई है खुदा बाप म्यूजिक और खुदा वर्शिप टीम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और हम सब ने वर्शिप से बरकत पाई तेरी शुक्रगुजारी हो खुदा। नौजवानों के लिए ब्रदर लूकस के लिए और ब्रदर मार्को के लिए जो जर्मन से आए हैं खुदा बाप तेरी खिदमत करना चाहते हैं, इन नौजवानों के लिए हम बरकत की दुआ करते हैं खुदा बाप, बरकत दे ताकि जहां कहीं भी जाएं तेरे लोग तेरे बेटे यीशु मसीह नाज़री के नाम की मनादी के लिए तेरे चुने हुए वसीला और खुदा बाप तेरे चुने हुए चैनल बनकर इस्तेमाल हो। इन्हें बरकत दे जवानी के अयाम तेरे साथ गुजारने के लिए बड़ा फजल आकर, ताकि कोई इनकी जवानी की हकारत ना करने पाए बल्कि करदार में अमल में पाकिजगी में नमूना बने। हालेलुया, तेरा शुक्र हो। जितने खादम यहाँ पे तेरे खुदा बाप आ जाए हैं भाई खुदा बाप, अपने भाई अगस्टन ताहिर के लिए बरकत की दुआ करते हैं, सलामती मांगते हैं, उम्र की दराजी मांगते हैं। तेरे खादम खुदा बाप जो तुझसे मुहब्बत करता है, हम इसके लिए इसके घराने के लिए बरकत चाहते हैं, अपने बंदा को इसके घराने को बरकत दे यीशु के नाम से। तूने अपने बंदा की जो खिदमत यूएई के अंदर रखी है, हम उसके लिए दरवाजों को खुला हुआ देखना चाहते हैं। ईमान से चाहते हैं कि अपने बंदा के लिए खिदमत के दरवाजों को खोल, ताकि तेरा बंदा जमीन की इंतहा तक तेरी गवाही देने वाला हो सके। हमारे साबर के लिए, उनके बेटे के लिए भी बरकत की दुआ करते हैं खुदा, उनके भी बरकत अदा करना। जितने भाई यहाँ पे नए आए हैं उन सब के लिए, और जो नई बहन आई है उनके लिए भी बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। बड़ी मत कर, पास कर, सेहता कर, जिसका तूने आने में मदद की, जाने में भी हमारी रहनुमाई और मत कर हफाजत करना। हम भाई अलीम सागर के लिए जो तेरा बंदा तुझसे मोहब्बत रखता है और हर बार खुदा बाप चाय और स्नैक्स लेकर आता है, तेरे लोगों से प्यार करता है और तेरे चेहरे से प्यार करता है खुदा बाप, हम तेरे बंदा अलीम सागर के लिए, उसके घराने के लिए, बच्चों के लिए बरकत की दुआ करते हैं यीशु के नाम से। बड़ी बरकत आकर जितने भाई इस खिदमत के लिए मखसूस हैं, इन सबको बरकत अता कर। मैं अपने लिए भी खुदा तुझसे बरकत चाहता हूँ। मैं इंसान हूँ, कमजोर हूँ, तू मेरी कमजोरियों से वाकिफ है, मेरी जिंदगी से वाकिफ है यीशु के नाम से। मुझे ईमानदारी से, वफादारी से, दयालुदारी से और खुदा बाप इल्मी तरीके से मुझे इस्तेमाल कर, ईमानदारी से मुझे इस्तेमाल कर खुदा बाप, मुझे रूह कुदस का मसा देकर इस्तेमाल कर, ताकि मैं तेरी खिदमत खुदा बाप वफादारी से करने वाला ठहर सकूं। मुझे मेरे घराने को बरकत दे, बड़ी मत कर, पास कर, सेहता कर। जो भाई इस वक्त मौजूद रहे उन्हें भी बरकत अता कर, यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। हमारे बाप जो आसमान का है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर, जो हमारे रोज रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह अपने कर्जों को मुआफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज में मुआफ कर, हमें स्मैश होना पड़ने दे बल्कि सच्चा, जो बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। मैं खुदा के खादम बुजुर्ग पास्टर से दरखास्त करूंगा सामने आए और बरकाती कलमा से हम सबको रुख्सत करें। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकर की रफाकत और शराकत अब से हमेशा तक दुनिया के कुल मकसद साथ, हाजर जमात की फैमिली के साथ, मिलकर पाकिस्तान, पाकिस्तान के अलमरा के साथ, इंडिया, इंडिया के अलमरा के साथ और जर्मन के साथ, और फिर खूस यूएई के लिए तमाम अरब अमारात के साथ और बनी कौम इसराइल के साथ अब से अब तक होता रहे, आमीन। एक और बहन है, मुझे उनका नाम भूल गया, वो भी नहीं है, आज पहली बार आई है खुदा आपको। सिस्टर, आपका नाम क्या है?